हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी पनीर टिक्का। सबसे पहले दही लेंगे, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हल्दी डालेंगे एक चम्मच, और मिर्ची पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला, नमक स्वादानुसार, कसूरी मेथी थोड़ी सी रगड़कर, थोड़ा सा इसमें हम कच्चा सरसों का तेल भी डालेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा रोस्टेड बेसन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिला देंगे, और इसमें पनीर के ऐसे थोड़े बड़े बड़े पीसेस काट कर डाल देंगे। और इसमें ही हम प्याज को इस तरीके से कटा हुआ ऐड कर देंगे, और शिमला मिर्च को भी ऐसे ही कटा हुआ ऐड कर देंगे, और उनको मैरिनेट कर लेंगे। और इसको आधे से एक घंटे मैरिनेशन के बाद मैं इनको इस तरीके से जो ये स्टिक्स है इनमें लगा दूंगी अच्छे से, और हमने साथ में अंगीठी जलाई है और इनको अंगीठी पर ही पकाएंगे। ओके, इसको आराम से अंगीठी पर डालेंगे। इसको अच्छे से अंगीठी में पकने देंगे, और साथ के साथ इसमें ऊपर से बटर या आप तेल लगा सकते हो, मैंने बटर यूज़ किया था। बटर को इसके ऊपर लगाएंगे और इसको अच्छे से चारों तरफ घुमा घुमा के पकाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा यम बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, हमें तो बहुत पसंद आया था। और ये हमारा निकला हुआ, इसमें आपको शिमला मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही होंगी क्योंकि सबने टेस्ट करने में ही पनीर के पीसेज ऑलरेडी उठा लिए थे। तो दैट्स इट, अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो घर पर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी रेसिपी है। और इसको आप चटनी और प्याज के साथ खा सकते हो। थैंक यू।